मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज शनि व्रत के एक कथा जो स्कंद पुराण में वर्णित है, और स्कंद पुराण पुराण से ये कथा ली गई है। सचमुच मित्रों, शनि ग्रह से बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं और इनका जिन पर प्रकोप होता है, कहा जाता है कि शनि ग्रह के प्रकोप से काफ़ी क्षति होती है। लेकिन मित्रों, उनसे संबंधित कहानियों, घटनाओं को देखने, समीक्षा करने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो जितने क्रोधी होता है उसका हृदय उतना ही कोमल होता है। सचमुच में शनि भगवान के संबंधित ये कथन 100% सही है, क्योंकि जिन पर उनका कुप्रभाव रहा है उनके प्रति उनका अंततोगत्वा, हम कह सकते हैं कि उनकी स्नेह बढ़ी है या उनके कल्याणार्थ उन्होंने काम किया। मित्रों, उसी से संबंधित जो स्कंद पुराण की कहानी है उसको हम लोग देखें कि सचमुच में ये कहानी किस तरह से है। और इस कहानी को देखने से यही बात स्पष्ट हो जाती है कि एक मंत्री अपने राज्य, अपने देश, अपने राजा के प्रति किस तरह कर्तव्यनिष्ठ हो या अपने जान को भी गंवाने के लिए वो तैयार रहे। सचमुच में एक राजा का मंत्री रात को सोए हुए थे, स्वप्न में उन्होंने शनि देव को सामने देखा और शनि देव ने मंत्री से कहा कि आपके जो राजा हैं उन पर शनि ग्रह का प्रकोप है और 7.5 वर्ष के लिए मेरा प्रकोप उन पर रहेगा। मंत्री भयभीत हो गए और उन्होंने करवध प्रार्थना करके कहा कि इस समय को घटाया जाए या अपने प्रकोप को कम कर दिया जाए या नहीं ही प्रकोप उन पर लाया जाए। मित्रों, शनि भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अपने समय को कम कर देता हूँ 7.5 महीना। फिर मंत्री ने अनुनय विनय किया कि नहीं, ये बहुत अधिक अवधि हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 7 दिन। फिर भी मंत्री ने अनुनय विनय किया कि ये भी बहुत बड़ा समय होता है। तब उन्होंने 2.5 घंटा का, फिर भी मंत्री विनय करने लगे कि राजा पर किसी तरह का आपका प्रकोप न हो। बाद में मंत्री के अनुनय विनय करने के बाद शनि भगवान ने कहा कि मुझे तो आना जरूर है, चाहे समय कितना भी हो। तब मंत्री ने कहा कि अगर राजा पर आप अपना प्रकोप न दिखाइए बल्कि हम पर प्रकोप दिखाइए। और शनि भगवान मान गए और उनका प्रकोप उस मंत्री पर 2.5 घड़ी तक रहा। और जिस घड़ी में उनका प्रकोप हुआ उसी समय राजा के पुत्र के सिर को काटकर उस मंत्री के घर पर ले जाकर टांग दिया गया। राजा यह देखकर काफ़ी क्रोधित हुए और उस मंत्री को बुलाकर फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी, और उधर राजकुमार के शव को अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन मंत्री ये सारा चीज़ जानते थे और वे केवल 2.5 घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके गर्दन में फांसी की फंदा अभी डालने ही वाले थे लोग, तब तक राजकुमार चिता से उठकर चले आए और उनके फांसी का फंदा भी हट गया। मित्रों, यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और राजा ने मंत्री से सारी कहानी को सच सच बताने के लिए आग्रह किए। मंत्री सारी कहानी को शुरू से अंत तक राजा को सुनाए और राजा सुनकर काफ़ी खुश हुए और उनके राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, एक राजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठा को देखकर वे उनके लिए आभार व्यक्त किए और उस मंत्री को बड़ा से बड़ा पद देकर अपने राज्य में सम्मानित किया। तो सचमुच मित्रों, यह कहानी तो काफ़ी छोटी है और धार्मिक है, लेकिन सचमुच में आज भी प्रासंगिक है कि हम अगर राज्य में हैं, जिस देश में हैं और हमको कोई जिम्मेवारी मिली हुई है, तो उस जिम्मेवारी को
सही ढंग से निभाना है, क्योंकि अगर हम उस जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं तो राज्य का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, अंततोगत्वा सबका उसमें लाभ और हानि जुड़ा हुआ है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।